हेलो एवरीवन, तो हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने बात कर ली थी कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जहां से हमें अपने इतिहास का पता चलता है। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल की, जो कि इसमें जो है इसके तीन भाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में पूरा पाषाण काल संस्कृति की, तो इसका जो शोध यानी कि जो रिसर्च शुरू हुई वो 150 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो नेक्स्ट हम आज बात करने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज भारत में सर्वप्रथम किसने की? तो वो की थी रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 ईस्वी में। इन्होंने कहाँ पर सबसे पहले खोज की थी? तो इन्होंने भारत में तमिलनाडु के पलवारम नामक स्थान पर पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। नेक्स्ट है, हिमाचल के किस जगह पर मानव आवास के प्रमाण मिलते हैं? तो इसमें मेन जो है वो है कांगड़ा की बंगना प्यास घाटी, नेक्स्ट हमारी नालागढ़ बिलासपुर की सिरसा सतलुज घाटी और उसके बाद सिरमौर की मारकंडा घाटी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब मिले? तो पहचान योग्य जो अवशेष है वो 1955 में मिले। कहाँ कहाँ? कांगड़ा, गुलेर और देहरा के 16 प्रकार की पूरा पाषाणकालीन औजार मिले। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन से मिले? दूधारा खुरचा जो होता है वो मिले। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सोहन घाटी की, कि सोहन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारे कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, हिमाचल में पूरा पाषाणकालीन औजार बनने में किस पत्थर का उपयोग किया गया है? तो वो है हमारा बिल्लौरी पत्थर। अगर हम बात करें इन औजारों की, तो जो आदि मानव थे इनका मुख्यतः उपयोग वो शिकार के लिए करते थे या किसी ऊंची चट्टान पर चढ़ने के लिए करते थे। इस तरह ही वह क्या करते थे, इन सारे औजारों का प्रयोग करते थे। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 3000 से 1750 ईस्वी पूर्व में ये जो सभ्यता थी एक विशाल भूखंड में फैली हुई थी। और प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी के बाहर का जो क्षेत्र था उसे अलग नाम से जाना जाता था। तो अब हम उसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर के निवासी को क्या कहते थे? तो उन्हें कहते थे मुंडा भाषी कोल या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। नेक्स्ट है, हिमाचल के प्राचीनतम निवासी कौन है? तो ये है कोल और मुंडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में खश का आगमन कब हुआ था? तो जो खश प्रजाति या जनजाति थी, इसका जो हिमाचल प्रदेश में आगमन हुआ वो हुआ 3000 ईस्वी पूर्व। और इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। और इसके साथ साथ ये एक तरह का शक्तिशाली गणतंत्र रूप से विकसित होने वाला एक तरह का जनपद था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किरात प्रजाति का प्रवेश कब हुआ? तो इनका 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये हिमालयों में मंगोली तिब्बत भाषी किरात के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो नेक्स्ट है, किरात का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो वो था राजा शांभर। और इसका जो ब्यास और यमुना के बीच 99 इसके जो थे वो मजबूत दुर्ग थे। और जो दुर्ग होता था वो किसी भी राजा की शक्ति का एक प्रतीक होता था। और जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें शांभर और आर्य जो शांभर है उनका और साथ ही साथ देवदास का युद्ध का वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि जो आर्यों राजा देवदास और दस्यु राजा शांभर का संघर्ष है, आर्यों को उन्हें परास्त करने में 40 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का राजा कौन था? तो अभी हमने बात की थी कि आर्यों का राजा कौन था, देवदास। और किरात राजा शांभर का वध किसने किया था? तो वो भी किसने किया था, देवदास ने किया था। कौन? उसको हम बोलते हैं उद्ब्रज नामक स्थान पर। तो इनका जो युद्ध का वर्णन है वो ऋग्वेद में भी हमने देखा था कि 40 वर्ष तक इनका जो युद्ध था वो आपस में चलता रहा और जिसमें कि अंत में देवदास विजय रहा। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।